महाराष्ट्र के 19वें सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का आज 61वां जन्मदिन है। जब भी राजनीति में हिंदुत्व की बात होती है तो उद्धव ठाकरे की तुलना अक्सर उनके पिता बाला साहब ठाकरे से की जाती है। उद्धव ठाकरे भले ही बाला साहब ठाकरे की तरह तेज तर्रार वक्ता न हो, लेकिन स्टैंड लेना और उस पर कायम रहने के मुकाबले में वो कभी चूकते नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भले ही शांत नजर आते हैं, लेकिन कई मौकों पर वो साफ कह चुके हैं कि उनके हिंदुत्व को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पुरानी साथी बीजेपी से अलग होने के उनके फैसले ने भी ये साबित कर दिया कि वो कड़े फैसले लेने में भी पीछे हटने वालों में नहीं है। राज ठाकरे के अलग हो जाने के बावजूद भी जिस तरह उद्धव ने शिवसेना को संभाला, उसे देखकर उनकी मैनेजमेंट क्षमता की भी तारीफ की जाती है। यही कारण है कि उन्होंने ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर से किंग की भूमिका में पहुंचा दिया। 27 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे उद्धव ठाकरे अपने पिता बाल ठाकरे के साय में रहकर राजनीति की। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना की कमान मिली, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को कई मुश्किलों से निकालकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सत्ता के उस शिखर पर पहुंचा दिया जिसके लिए शिवसेना के कार्यकर्ता दिन रात सपना देखते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी के नेता जब ये मान चुके थे कि अब शिवसेना का वक्त खत्म हो गया है और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रभाव भी बढ़ रहा था, लेकिन उद्धव ने जिस संयम के साथ इस पूरे वक्त में पार्टी को संभाला, उससे सभी हैरान रह गए। उद्धव ने महाराष्ट्र में शिवसेना का चेहरा उग्र हिंदुत्व वाली पार्टी के अलावा अब विकास के लिए सोचने वाली पार्टी का बना दिया है। एक ऐसी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। भले ही उद्धव ठाकरे ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में महाविकास अघाड़ी नाम से एक नई गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन जब से उन्होंने सीएम का पद संभाला है तब से ही उन्होंने कई विवादों का सामना किया। इनमें सुशांत सिंह राजपूत, खुदकुशी का केस, कंगना रनौत विवाद, सचिन वाजे केस, परमबीर सिंह लेटर बम और अनिल देशमुख के इस्तीफे जैसे विवाद शामिल हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आगे की ओर देख रहे हैं, भविष्य की ओर। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।